स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों अगर आप तत्काल टिकट निकालना चाहते हो या फिर निकालने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ तत्काल टिकट के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। दोस्तों तत्काल टिकट के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, डेढ़ मिनट या एक मिनट पहले आपको IRCTC की एप्लीकेशन पर लॉगिन करना है। मैं आपको सजेशन दूँगा तत्काल टिकट हमेशा IRCTC की एप्लीकेशन पर निकालें। मास्टर लिस्ट आप पहले से ही बना ले, ये नहीं कि मास्टर लिस्ट आप 8 बजे या फिर जब 10 बजने में या 11 बजने में 4-5 मिनट बाकी रहे तब बनाएं, उस समय मास्टर लिस्ट आपकी नहीं बनेगी। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए, मास्टर लिस्ट आप पहले से बना लीजिए। अच्छी खासी इंटरनेट स्पीड में रहिए। पेमेंट करते समय आप UPI का यूज़ कीजिए। तत्काल टिकट बुक करते समय आपको कोई भी डिप्रेशन का यूज़ नहीं करना है। कई बार क्या होता है जब तत्काल खुलती है तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, इस प्रकार की सिचुएशन लोगों को देखने को मिलती है, तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है। और पेमेंट करने के लिए आपको UPI का यूज करना है। और जो भी कैप्चा आपको डालना है, कैप्चा चाहे आपके पास मिक्स में आए या कोई इमेज का बैकग्राउंड आए, एक बार आप पढ़ लीजिए ऊपर लिखा क्या है इंग्लिश में, उसके बाद नीचे उसी हिसाब से कीजिए। और ये चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जब भी आप तत्काल टिकट निकालें तो मोबाइल में चार्जिंग आप फुल करके रखें। दूसरी बात, एप्लीकेशन अपडेट ना हो तो एप्लीकेशन अपडेट कर लीजिए। तीसरी बात, आप गर्मी में ना निकालें। मान चलो अगर आपका मोबाइल गीला है, आपको पसीना हो रहा है, तो पसीने से क्या डिस्प्ले में जाएगा और डिस्प्ले जब पानी पाएगा तो वर्किंग उसका स्लो हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है कि गर्मी जहाँ महसूस हो वहाँ आपको टिकट नहीं निकालना है। पेमेंट करने के लिए मैंने आपको फ़ोनपे बता दिया, हालाँकि आप कोशिश करें कि बैकग्राउंड में अदर एप्लीकेशन रनिंग ना हो। और हो सकता है अगर आपके पास 2 मोबाइल हो तो पेमेंट करने के लिए आप दूसरे पेमेंट मेथड का यूज करें, मतलब UPI दूसरे का डालें, ताकि उसमें जैसे रिक्वेस्ट आए आप पे कर ले, आपको एप्लीकेशन कनेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये दोस्तों इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है तत्काल टिकट बुक करते समय। अब दोस्तों मैं मेन चीज़ बता रहा हूँ, बहुत लोगों के साथ गलती क्या हो रही है, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर टिकटें बुक हो रही हैं तो पर्सनल यूजर ID पे बुक हो रही हैं तत्काल, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर से भी कोई निकालता है या एजेंट भी किसी से निकालता है तो पर्सनल यूजर ID का ही उपयोग करता है। अब दोस्तों बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, अगर मैं आपको बता दूं, एक यूजर आईडी से आप एक दिन में केवल एक ही PNR निकाल सकते हो, 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में एक ही PNR निकाल सकते हैं। अब दोस्तों 8 बजे वाली जो हम टिकट बुक करते हो, हमारी नॉर्मल ट्रेनें रहती हैं जो हम जनरल में बुक करते हैं, वही 8 से 12 के बीच में तो तत्काल भी आता है, आपको पता होगा 10 और 11। इसलिए दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, अगर आप 8 बजे किसी गाड़ी की 8, 9 या 10 बजे के बीच में किसी गाड़ी की अगर आप PNR बुक कर चुके हैं तो उस समय आप तत्काल टिकट नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक दिन में एक ही PNR वो जनरेट करता है। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है दोस्तों, ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है ये चीज़ें, और जिनको नहीं पता है आशा करता हूँ वीडियो देखने के बाद उनको पता चल जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आपने कोई स्पेशल गाड़ी का टिकट उस डेट पे बुक किया हुआ है तो तत्काल ना बुक करें, क्योंकि एक यूजर आईडी से एक 8 से लेकर 12 के बीच में, 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आप एक ही PNR जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो 2-3 टिकटें चाहिए थी, मुझे मेरी फैमिली मम्मी पापा को जाना था 4 महीना बाद वाले में, और उसके बाद मुझे जाना है कल के डेट पे, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, तो उसके लिए दोस्तों आप अलग आईडी बना सकते हैं। अलग आईडी अपने फैमिली का बना लीजिए, हालांकि पर्सनल यूजर आईडी बनाए, पर्सनल यूजर आईडी से आप टिकट मत सेल करें। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये मेरा वीडियो बस बनाने का मकसद ये है ताकि आपको प्रॉपरली पता चले उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। अगर एक PNR आपने बुक कर दिया, एक अलग आईडी बना लीजिए, पापा का आधार कार्ड उसमें डाल लीजिए, एड्रेस भी आप डाल सकते हैं, एड्रेस में आप प्लॉट नंबर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, आप एड्रेस पूरा प्रॉपर लिख दीजिए, आधार उनका डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन मैं आपको फिर भी सजेशन दूंगा, आप इससे इलीगल काम ना करें, आप अपने खुद फैमिली मेम्बर का ही टिकट निकालें। ये केवल मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपका टिकट मिस ना हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला था आपको इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों इस ट्रिक को आपके ध्यान, ये चीज़ें आपको ध्यान रख के ही तत्काल टिकट निकालना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।